बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया की तमाम खुशियां अता फरमाए, आमीन सुमामीन। इस दुआ के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चिकन वाइट कढ़ाई। चिकन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे 1 कप। ऑयल ऐड कर दिया। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। 2 हमने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को धो के हमने ब्रीक ब्रीक काट लिया, ऐड कर देंगे। प्याज हमने डाल दिए। अब हम प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेते हैं। प्याज का ऑयल अच्छी तरह से रिमूव कर लेते हैं। प्याज हमने निकाल लिया ऑयल से। अब हम इसमें ऐड करके लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 कप। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लहसुन अदरक को 2 मिनट भून लेते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने 2 मिनट भून लिया। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन हमने 1 kg लिया है। चिकन को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम 5 मिनट भून लेते हैं चिकन को। जब तक चिकन की बनाई हो रही है तक हम प्याज और हरी मिर्चों को दही के साथ ग्राइंड कर लेते हैं। दही हमने 1 कप लिया है। 10 से 12 हरी मिर्चें हैं और प्याज जो हमने लाइट ब्राउन किया है। सब चीज़ों को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। दूसरी साइड पर चिकन की भी अच्छे से बनाई हो चुकी है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। नमक डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और हरी मिर्चें और दही जो हमने ग्राइंड कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम 5 मिनट पका लेते हैं। हरी मिर्चें, प्याज और दही का पेस्ट डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें पाउडर मसाले डालना शुरू करते हैं। 1 टेबलस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया, 1/2 टेबलस्पून कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून वाइट पेपर। सब पाउडर मसाले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पाउडर मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम ढक के 5 मिनट पका लेते हैं। चिकन को हमने ढक के पका लिया है। माशाल्लाह से चिकन अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। लेमन जूस डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम फ्लेम को लो करते हैं। फ्लेम हमने लो कर दिया। अब हम 1 पैक टेट्रा पैक क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम हमने डाल दिया। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब भी आप लोग क्रीम या दही डालें तो फ्लेम लो कर लिया करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप लोग ये दोनों चीज़ें पहले डालें तो कलर ब्लैक की तरफ चला जाता है। वाइट चिकन कढ़ाई तैयार है। अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे हरी मिर्चों की, अदरक की और सब्ज़ धनिया की।
वाइट चिकन कढ़ाई तैयार है, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। और जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।